आदाब नाज़रीन, अवाम उर्दू न्यूज़ बुलेटिन पेश करने से पहले हदीस मुबारक पेश है। हज़रत वासिला बिन असखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई की तकलीफ पर खुशी का इजहार ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला इस पर तो रहम फरमा दे और तुम्हें आजमाइश में डाल दे। तिर्मिज़ी। अज़्म महकुम और सही फहम हो तो जिस्मानी माजूरी रुकावट नहीं बन सकती। पोलियो से दोनों पैर मुतासिर मोहम्मद जावेद ऑटो चलाते हुए खुशहाल जिंदगी बसर करने में कामयाब, तो दूसरे अब्दुल वहीद एक पैर न होने पर बैसाखियों को सहारे पर चलने वाले ने सेविंग मशीन पर थैले सीते हुए, और तीसरे शख्स विजय उर्फ पिंटू के दो पैर न होते हुए भी सख्त मेहनत व जद्दोजहद करते हुए, इन तीनों ने खुददार जिंदगी गुजारते हुए लोगों के लिए सबक आमोज बने हुए हैं। अवाम उर्दू न्यूज़ ने यह सबक आमोज कहानी पेश करने की कोशिश की है। अवाम उर्दू न्यूज़ बुलेटिन नुमाइंदे अशफाक अहमद ने कुछ ऐसे माजूर अशखास से मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत व मेहनत जस्तजु की जिंदगी को अवाम में शऊर बेदार करने के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। तो आइए हम उन तीनों से फर्दन फर्दन तफसीलात बताते हुए उन्हें पेश करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद जावेद दो पैरों से माजूर ऑटो रिक्शा चला के कैसे अपने खानदान की किफालत कर रहे हैं, बात करते हैं। जावेद, यह है मोहम्मद जावेद मियाँ, जिनको एक साल की उम्र में पोलियो की वजह से उनके दोनों पैरों पैर नाकारा हो चुके हैं। मसाइल की वजह से तालीम को जारी ना रख सके, अपने घर की जिम्मेदारी के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। शादी भी हो चुकी है और एक लड़का है। बड़े ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि अल्लाह ताला के ऊपर कामिल यकीन रखकर मैं मेहनत व जस्तजू करते हुए आगे तरक्की करना चाहता हूँ। अब आइए, यह है अब्दुल वहीद साहब टेलर, नकदी के नाम से मशहूर है। ये 12 इमाम गली भैंसा के मुतवत्तिन हैं। उनकी उम्र 64 साल है। ये हजरत एक पैर के ना होने के बावजूद मुसलसिल 34 साल से मेहनत मशक्क़त व जस्तजू से हिम्मत व जुरात और कामिल यानी बिल्ला टेलरिंग जारी रखी है और आज ये थैले सीकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि उनको जुमला दो लड़कियां और दो लड़के थे, जिसमें से बड़े लड़के का इंतकाल हो चुका है। ये अकेले ही खानदान की कफालत करते आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि इन्होंने दो लड़कियाँ और लड़के की शादी भी कर चुके हैं। रोजाना मेहनत करते हुए वो 300 रुपये कमा लेते हैं और अल्लाह का एहसान मानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें खुशहाल जिंदगी बसर की। अब आइए विजय उर्फ पिंटू, उम्र 28 साल। कई साल पहले लारी की उनके पैरों के ऊपर से गुजर जाने पर दो पैरों को काट दिया गया, जिसकी बिना पर वो पैरों से माजूर हो चुके। लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा ना करते हुए खुददारी की जिंदगी गुजारने के लिए और भगवान का शुक्र बजा लाते हुए यह मौसूफ यलू इंजीनियरिंग वर्कशॉप पर रोजाना काम करते हुए कुछ ना कुछ कमा लेते हैं और अपने अफराद खानदान के साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन तमाम का कहना है कि अल्लाह ने हाथ पांव और मुकम्मल सेहतमंद बनाने के बावजूद बाज मर्द और खातिन गदागरी हम जैसे लोगों के सामने हाथ फैलाकर मदद मांगते। उनका इस तरह का करना सेहतमंदी पर सवालिया निशान है। सिवाय अल्लाह के भगवान के किसी और के सामने हाथ ना फैलाना चाहिए, बल्कि मेहनत व मशक्कत करते हुए हंसी खुशी जिंदगी गुजारना और उस परवरदिगार का शुक्र बजा लाना चाहिए जिसने हमें सेहतमंद पैदा किया। इन मेहनतकश तीन अफराद के साथ साथ यलियू मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल लतीफ का हुकूमत तेलंगाना रुकन असेंबली ताल्लुक अहमदोल और सियासी समाजी कायदीन से अपील है कि वो इन जैसे कई और लोग इस दुनिया में मेहनत करते हुए खुशहाल जिंदगी गुजारने की कोशिश की है और हुकूमत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना के तौर पर तरक्की की राह पर गामजन है, तो इन माजूर तीनों अशखास को भी इस सुनहरे तेलंगाना में शामिल करते हुए रियासती स्कीम या रोजगार से मरबूत कर दें तो हमारी रियासत और हुकूमत तेलंगाना की कहीं नजीर ना मिलेगी। 10 साल हुए मेरे को यहाँ काम करें और मैं 20 मंथ
मैं देता हूँ नगर से काम याद करते हैं। हाँ ऊपर वाले तो ऐसा है, और जो अच्छे खाते आदमी जो आते हैं भैया काम करो, कई बार मैं तो मध्यम आदमी को बोला मैं भैया काम करो देखूंगा मत छोड़ो और यहाँ काम करो, वो काम मेरा है मगर उल्टा हो जा रहा, मेहनत भाई कर रहा हूँ तुम मत एजुकेशन मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये जो है मेरे पास से 10 साल काम कर रहा है, और इसकी जो इसकी खुददारी इसकी ईमानदारी इन्हें कभी मांगने के लिए नहीं गया, और जो है ना हमेशा से जो है मेरे पास काम ईमानदारी मेहनत से कर रहा है, और जो इसको गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है अपील है कि इसकी जो मदद करे, और ये बेघर है इसके घर नहीं है, इसके माँ बाप बीमार रहते हैं हमेशा किराए के घर में रहता है, काफ़ी मेहनत की काफ़ी दिलचस्पी से काम करता है, टाइम का पाबंद है, और उसको कुछ पेंशन मिल जाता है कुछ सैलरी मिल जाती है, इस वजह से उन्हें यहाँ पर इसका गुजारा हो जा रहा है। जनाब उत्तर कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश साहब MLA जिनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस मासूम बच्चे की मदद करें, और उसको घर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसको डबल बेडरूम हो या सिंगल बेडरूम हो इसे घर दिलाने की कोशिश करें, ये मेरे इनसे अलग गुजारिश है। इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। दो बेटियां थे मेरी, एक लड़का जवान बेटा मर गया हुआ, अब तीन बच्चों की शादियां कर दिया, तीनों भी बच्चे वाले हैं, पूरी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, यही काम से करा मैं चाहिए मेरे पास कोई जरिए माश है ही नहीं, यही काम है मेरा, मैं एक मजदूरदार हूँ। हुकूमत से कभी कोई बात 1500 रुपये उल्टी क्यों मिलता हूँ कुछ नहीं मेरे, गवर्नमेंट की 1500 रुपये उल्टी में महीने को महीना मिलता ही आई, जब पहले 500 रुपये था, और कोई चीज़ का आपने को सपोर्ट दिए बस ऊपर वाला है, हम मेहनत करते हैं मेहनत से 34 साल से मेहनत, हाँ 34 सालों का मेरा है होगा, उसके बावजूद भी किसी दूसरों का सपोर्ट नहीं लिया, कुछ सपोर्ट है ही नहीं कोई, मैं अपने देता नहीं, बस अपन मेहनत करते हैं अल्लाह ताला अपनी जिंदगी मजे में गुजारा, पाँच ऊपर नमाज पढ़ते रमजान के रोजे रहते बस उसको याद करते थे गुजारे, अल्लाह का बड़ा फजल है हमारे, किसी का मोहताज नहीं बना, किसी हुकूमत की तरफ से मदद कुछ नहीं है, गुजारी 1500 का मिलता होता है लोन वगैरह कुछ नहीं आज तक नहीं मालूम। मेहनत जुस्तजू इबादत इलाही ही कामयाबी का जामिन, इस बात का इजहार करस्पॉन्डेंट मोहम्मद इजहार अहमद ने दहम जमात के तुलबा की विदाई तकरीब में तुलबा व तालिबा से मुखातिब होते हुए किया। इस मौके पर ग्लोबल मोरल हाई स्कूल करस्पॉन्डेंट अब्दुल अहद, सक्सेस स्कूल वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद कलीम, सदर मुदर्रिस मोहम्मद इरफान, आतिफ उमेद, शेख जुबैर, अशफाक अहमद कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भैंसा ने भी मुखातिब किया। तुलबा व तलबात ने अपने अपने तौर पर तालीमी मुजाहरे पेश किए। इस मौके पर तुलबा व तलबात की कसीर तादाद मौजूद थी। तरस जाता बदन मेरा हवा से गुम हो जाती है, खबर सुनकर ये आज़ुर्दा अलफला छोड़ जाना है, वो एक ही छत के साए अहले खाना की तरह रहना, उलझना बहस करना फिर से बहनों की तरह रहना, मैं तोड़ूं कैसे ये रिश्ता अलफला। उसका एक सपना था कि वो जो है ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल हासिल करना चाहता था, मुल्की सतह पर जितने भी प्रोग्राम्स जितने भी जो इवेंट्स हुए थे गेम्स हुए थे उस सब में जो है उसने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया था, लेकिन उसका सपना था कि वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करे, वो बहुत मेहनत के बाद जो है इस मुकाम पर पहुंचा था, उसका ये मकसद था कि वो अपने जो अपना जो हाथ है उसको बेस्ट पिस्टल शूटर हैंड बनाना चाहता था, और इसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की और वो बहुत बहुत करीब पहुँच भी चुका था, आर्मी में था, एक सोल्जर था, तो आर्मी के कैंप में एक हादसा पेश आया
कि उसका जो पिस्टल है, पिस्टल से जिस हाथ से वो जो है शूटिंग करता था, उस हाथ में जो है वो फट गया। अब जो है उसका जो सपना था, उसका जो मकसद था, वो पूरा का पूरा चुकना चूर होगा। अब उसके पास दो अल्टरनेटिव्स थे, या तो किस्मत पर रोना रोकर एक बंद कमरे में जाके अपनी ज़िंदगी को जो है ऐसी ख़त्म कर दे, या फिर अपने मकसद में जो है आगे बढ़े। उसने जो है अपना फोकस उस चीज़ पर दिया, उस चीज़ पर नहीं दिया वो जो चला गया था, बल्कि उसने अपना फोकस उस चीज़ पर रखा जो उसके पास था। क्या था उसके पास? बोल सकते हैं उसका एक और एक हैंड था, ओनली हैंड, उसका लेफ्ट हैंड। एक साल करीब एक महीना जो है उसका ट्रीटमेंट चला। एक महीने के बाद वो वापस आया, आने के बाद राजेश तुलबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपके सामने बहुत से टीचर्स अपनी अपनी बात रखे हैं। सबका यही है कि आप आला से आला निशान हासिल करो। अभी 14 दिन जो 15 दिन बचे हैं, आप सख्त सख्त मेहनत करो। मैं भी वही बोलूँगा कि आपको मेहनत करना है, वक्त कम है, लेकिन इसको सही तरतीब से लेना है। अब हम सोचते ये हैं कौन सा पढ़ूँ, मैथ्स पढ़ूँ, उर्दू पढ़ूँ, तेलुगु पढ़ूँ, आपको वो सोचना नहीं। आपको टाइम बनाना है, वक्त बनाना है एक, यानी ये टाइम से ये टाइम तक मैं उर्दू पढ़ूंगी, ये टाइम से ये टाइम तक मैं ये पढ़ूंगा। अगर आप ऐसा वक्त बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको हर सब्जेक्ट में आप अच्छे से अच्छे निशाना हासिल करेंगे। और दूसरी बात, करीम सर, मुजाहिद सर, असाउद्दीन सर, आतिफ सर, तशरीफ फरमा, सभी साहिबों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर एक आपके उस्ताद आपको नसीहतें देते हुए आ रहे हैं। हमारी भी यही ख्वाहिश है, आप लोग अच्छी मेहनत करते हुए आ रहे हैं और अल्लाह अगर चाहे तो हमको उसका फल भी मिलेगा। हमारे दोनों मदरसे के तुलबा, अल्फला हाई स्कूल और ग्लोबल हाई स्कूल के बच्चे, शुरुआत से लेकर अब आखिरी मुकाम तक बहुत सारी मेहनतें करते हुए आ रहे हैं। मेहनत के अगर साथ साथ अगर हम अल्लाह की भी अगर इबादत करेंगे, कामयाबी दौड़ते हुए हमारे हक में आ जाएंगी। हम खाली अगर मेहनत करेंगे और हम ज़िंदगी में बोलो या इम्तहान में बोलो अगर कामयाब होना, ये नामुमकिन है। यानी कि हमारी मेहनत के साथ साथ हम अल्लाह की भी इबादत करना चाहिए। अवाम उर्दू न्यूज़ बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अशफाक अहमद।